नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ, ब्लैक शॉट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको फ़ोन में इंस्टॉलेड जितने सारे ऐप्स हैं, अगर वो इनबिल्ट है या अगर अदरवाइज आप डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं, उस सभी ऐप को कैसे अपडेट किया जाता है, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। आई थिंक ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि कैसे अपडेट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि क्यों ये अपडेट किया जाता है। इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि ऐप को क्यों अपडेट रखना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना जो फ़ोन है उसको एक नेटवर्क द्वारा कनेक्ट करें, इंटरनेट से जोड़े। उसके बाद आप अपना गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओके, ये टैप करते ही गूगल प्ले स्टोर ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वो साइन इन किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो आप बैक जाएं, अपना जो फ़ोन सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए। ओके, उसके बाद आप अकाउंट सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे मी अकाउंट एंड गूगल अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आपका फ़ोन में ऐड नहीं किया हुआ है तो अदर अकाउंट्स पे क्लिक करके आप थोड़ा नीचे जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड एक बटन है, प्लस बटन है, इस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप चूज़ कीजिए, जैसे एक्सचेंज भी कर सकते हो गूगल, या तो आप पर्सनल IMAP या पर्सनल POP3 को चूज़ कर लें। सबसे बेहतर होगा कि आप गूगल चूज़ कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे आप जाके साइन इन कर लें। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में हैं तो वहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप गूगल प्ले स्टोर को साइन इन कर लें गूगल ID के द्वारा। ओके, तो जैसे ही आपका गूगल प्ले ओपन हो जाएगा, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गूगल प्ले जो सर्च बार है उसके ऊपर आपका बाएं और मतलब स्क्रीन का बाएं और एक 3 लाइन खींचा हुआ एक ऑप्शन बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो माय ऐप्स एंड गेम्स, ऐप एंड गेम्स के अंडर में ये माय ऐप्स एंड गेम्स पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका फ़ोन में जितने सारे इंस्टॉलेड ऐप है, वो प्री इंस्टॉलेड हो या आप पोस्ट इंस्टॉल, मतलब आपके द्वारा जो इंस्टॉल किया हुआ जितने सारे ऐप है वो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। माय ऐप्स एंड गेम्स के अंडर में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो देख सकते हो अपडेट्स, उसके बाद सेकंड ऑप्शन इंस्टॉलेड और फोर्थ ऑप्शन लाइब्रेरी है। तो पहला ऑप्शन में जितने सारे आपका जो इंस्टॉलेड ऐप है जो अपडेटेड नहीं है, जो कि बैकडेटेड है, वो सब आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट्स पेंडिंग 20, मतलब 20 ऐप्स मेरा बैकडेटेड है। आप डायरेक्टली अपडेट ऑल पे क्लिक करके सभी को परमिशन दे सकते हो कि एक साथ अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमको जो जो ज़रूरत है, जो जो ज़रूरत का ऐप है उसी को सिर्फ अपडेट करें, तो उसको आप पर्टिकुलरली एक एक करके चूज़ करके आप अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, इसको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपडेट ऑप्शन और एक अनइंस्टॉल ऑप्शन, तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ओके, तो ये आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। कभी कभी ये ऐप परमिशन चाहता है, उस परमिशन को आप एग्री कर लें तो आपका अपने आप ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल होने में यहाँ पे आप देख सकते हो कितना MB का इंस्टॉल, मतलब एक्स्ट्रा जो डेटा है 10 MB का आएगा, उसमें से 3.16 MB डाउनलोडेड हो गया है ऑलरेडी। ये आस्ते मतलब ये 35% अपडेट हो गया है। आप सोचते होंगे कि क्या बेकार का ये जो ऐप है उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ाते रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न है। जैसे आप अगर WhatsApp यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे जो नए फीचर्स होता है, या Flipkart कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें जितने सारे जो अपडेट आता है उसमें नए वाला फीचर्स ऐड होते रहता है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होता है वो फिक्स किया जाता है, बहुत सारे बग्स जो होता है वो भी फिक्स किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे Facebook और जितने सारे सोशल नेटवर्किंग ऐप है, मतलब सोशल ऐप है, वो सब में सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप अपडेट रहे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आपका अकाउंट्स कभी भी हैक हो सकता है या इंटरप्ट हो सकता है, तो उसीलिए ये सभी ऐप को आपको अपडेट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये अपडेट आई थिंक हो गया है। उसके बाद आपको दिखाएंगे इंस्टॉलिंग, उसके बाद आपको आपके सामने देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो बैक जाते हैं। अगर आप चुन चुन के नहीं करना चाहते हो, आपके आप फ़ोन मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली अपडेट ऑल क्लिक करके सभी को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप सभी जो है इंस्टॉल होने लगा है, सभी को परमिशन दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना फ़ोन में इंस्टॉलेड जितने सारे प्री इंस्टॉलेड या पोस्ट इंस्टॉलेड ऐप है सभी को अपडेट कर सकते हैं।
आप अपना नोटिफिकेशन बार को आप स्लाइड करके नीचे करके आप नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि आपका फोन में जो ऐप अपडेट हो रहा है, अगर ऑल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखा देगा कि आपका सभी ऐप, आपका 20 में से 20 ऐप अपडेटेड हो गया है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा, इससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।